आज हमारे साथ मौजूद है पीटीआई की आयरन लेडी समाविया ताहिर साहिबा। इनसे पूछते हैं कि एक साल हो गया है, वो जो आपकी फुटेज थी वो अभी भी हमारी आंखों के सामने है, तो क्या फील करती हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैम एक साल हो गया है, हम देख रहे हैं कि आप खड़ी हैं, अचानक से आसमान जोड़ा आके आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो अभी भी याद है वो लम्हे? हाँ, परसों वो दिन था, परसों मतलब सब लोगों ने जो है वो एक तरह से एनिवर्सरी उसकी वो की, सेलिब्रेट किया हमने कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े रहे, हम अपने खान के लिए खड़े रहे, अपने लीडर की हिफाजत के लिए खड़े रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, तब भी यही फीलिंग्स थी, आज भी यही फीलिंग्स हैं कि समाविया ताहिर के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फ़र्क पड़ता है वो इमरान खान से है कि इमरान खान का होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान होंगे तो ये पाकिस्तान चेंज होगा, इमरान खान होंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, इमरान खान होंगे तो ये कौम अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी, इमरान खान होंगे तो ये कौम खुददारी का जो मतलब इमरान खान ने इनको सिखाया है, इनको समझाया है, उस पर जो है ये अमल दरामद कर। खान साहब के आज दो केसेस थे, वीडियो लिंक के जरिए पेश भी करना था शायद, तो पेश किया गया कि नहीं? तो आज की जो कोर्ट की समाअत है उसमें जो आपके ओपोनेंट हैं, गवर्नमेंट है, वो क्या दलाइल हुए, क्या है केस का, किस केस पे? अभी केस चल रहा है, अभी भी अंदर चल रहा है, हियरिंग जो है वो चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो हैं पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर सब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पार्टी वर्कर्स आए हुए हैं, हमारे जो हैं तमाम ख़वातीन आई हुई हैं, बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, सारे यकजहती के लिए, और ये बताने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का मैंडेट जो है वो इमरान खान को जो है वो दिया है इस कौम ने, और इमरान खान के लोगों को जो मैंडेट दिया है पब्लिक ने, आई थिंक वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान और पीटीआई को जो है अगर कोई उनका डिनाइल करता है कि मतलब वो नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि अवाम अब भी इमरान खान को चाहती है, अवाम अब भी पीटीआई को चाहती है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए जो साइफर केस है या बाकी जो केसेस हैं सारे बोगस केसेस हैं। ठीक है, आपने इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से आपने इमरान खान को अरेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, कोई तो सबूत पेश करें ना, आपके पास क्या सबूत है इन चीज़ों का कि जिस पे आपने इमरान खान को जो है सजा पे सजा, सजा पे सजा आप सुनाते जा रहे। ये बात याद रखिएगा कि एक वक्त आएगा कि जब इंशाल्लाह ताला ये तमाम केसेस जो हैं ये इनको वापस लेने पड़ेंगे, और ये पूरी अवाम पे तो वाजे है ऑलरेडी, अवाम तो जानती है कि ये सब धोखा है, ये सब झूठ है जो ये बोल रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये जो इन्होंने गड़े खोदे हैं ना उनमें ये खुद गिरने वाले हैं। इलेक्शन के बाद हमने देखा कि अभी रिसेंटली जो है रिकाउंटिंग हुई, और NA81 की जो सीट है गुजरांवाला की, बिलाल इजाज़ साहब वाली, वो भी आपके हाथ से चली गई। उसके बाद असद कैसर साहब ने कहा था कि अब हम मुज़ाहमत की सियासत करेंगे जिस लेवल की आप चाहेंगे, तो कितना तैयार है और किस लेवल की मुज़ाहमत तक आप तैयार हैं? देखिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि मुज़ाहमत का मतलब ये होता है कि हमने जो है वो आपके पास जो लास्ट ऑप्शन होता है ना वो होता है सड़क, रोड्स। ठीक है, आप सड़कों पे आ जाते हो, आप जब आवाम को हक नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम जब आते हैं तो फिर आने देते हैं, और इनको आने देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा कानूनी और आइनी हक है। ठीक है, इस हक से ना हमें कोई महरूम कर सकता है और ना ही हम जो है ना इससे पीछे हटेंगे, क्योंकि अगर हमारे लीडर पर, अगर हमारी जमात पर जो है वो गैर कानूनी तरीके से जबर फसायत की जाएगी, बर्बरियत की जाएगी, तो उसका जवाब जो है वो हम देंगे। हम पर अम लोग हैं, हम पर अम जमात हैं, मैं बार बार ये कहती हूँ, हम धरना भी दे सकते हैं, हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, हम रैलीज भी निकाल सकते हैं, हम जो हैं वो एहतजाज भी कर सकते हैं, हम जल्द से भी कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटजी हर लिहाज से तैयार है, और इंशाल्लाह ताला अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा। 9 मई को साल होने वाला है, क्या आपको नहीं लगता कि अब तक जुडिशियल इंक्वायरी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी? अनफॉर्चुनेटली मैं अभी पहले भी किसी को कह रही थी कि हम तो बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है फ्री एंड फेयर जो है वो जुडिशल इंक्वायरी जो है वो करवाएं, लेकिन अगर कोई नहीं करवा रहा तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि दाल में कुछ काला है। बिलावल साहब ने आपको ऑफर तो करवाई थी? ये है, वो बिलावल साहब तो ऐसी ऑफर्स मेरे ख्याल में यूं ही कह जाते हैं बेचारे, उनको पता नहीं होता, बाद में उन्हें माफिया मांगनी पड़ती हैं अपनी पार्टी से भी और बाकियों से भी कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो बात सिंपल सी है कि जुडिशल इंक्वायरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब तक वो नहीं कराएंगे तब तक आपके सामने सच नहीं आएगा, हकीकत नहीं आएगी, और जो बेगुनाह लोग हैं
वो खाम खाम जो हैं जेलों की सलाखों के पीछे जो हैं वो सांसद कब तक बाहर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान बहुत जल्दी बाहर आएंगे अगर अदालतों ने इंसाफ किया तो। कहा जाता है कि पार्टी में डिवीजन है कि आपकी जो वुकला है उनमें डिवीजन है, क्या वाकई है? नहीं देखिए एक बात याद रखिए, ये जिसको आप डिवीजन कह रहे हैं ना वो होती है हर एक की राय, ठीक है, हक़ आज़ादी राय, ओके। हर बंदा डिफरेंट सोच रखता है, हर बंदा जो है वो अपना डिफरेंट ओपिनियन रखता है, वो आपको राय दे सकता है, राय मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन इख्तलाफात बिल्कुल भी नहीं है। टेबल टॉक के ज़रिए उन इख्तलाफात को या उन आरा को जो है वो सुना जाता है, उनको समझा जाता है और उनका हल निकाला जाता है और यही जो है सबसे खूबसूरत बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। आपकी पार्टी एक प्रेस रिलीज जारी करती है उसमें बताया जाता है जी फ्ला एंकर्स जो हैं उनका बाइकआउट किया है, हमने इनके प्रोग्राम्स में नहीं जाना, हम देखते हैं उसी दिन मरवत साहब उन्हीं लोगों के प्रोग्राम्स में बैठे होते हैं। देखिए मैंने पहले कहा है ना गलतफहमी हो सकती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के उस पर वो चले गए होंगे, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारा जो है ना असासा है हमारी पार्टी का एंड We respect him a lot because I think it's अफजल मरवत भाई और हमारी जो बाकी लीडरशिप है सारी, हम सब ने अपनी अपनी जगहों पे प्रूव किया है कि वी आर द वॉरियर्स। मखसूस नशिस्तों के मामले में कौन कसूरवार है? मखसूस नशिस्तें देखिए मैं उसके बारे में इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी कि वजह यह है कि उस पर मैंने फिर वही बात कही कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो शायद जो है आप जैसे कहते हैं ना कि आप शायद आपकी नज़रों से ना गुजरती नहीं है, ओके, सो दैट्स व्हाई मे बी कोई इस तरह के। सेनेट इलेक्शन के लिए क्या प्लान है? सेनेट इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतेगी जी, अगर जो है वो 47 और 45 वाला इशू ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू माइक।